फोन पे झटका यानी अब हो गया महंगा, फोन पे झटका अब हो गया महंगा यानी आप फोन पे में अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हालांकि किसी भी अनदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह में अगर एक रुपया भी रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसमें एक रुपया भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है, जितना आप रिचार्ज करना चाहते हैं उतना सिर्फ लगता है। लेकिन बट यहाँ पर एक अलग ही सिचुएशन है, पहले देता था फोन पे बिल्कुल फ्री, फ्री में सर्विस देता था, एक रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता था, लेकिन अब हो गया महंगा, क्या करें। आप अगर किसी भी नंबर को एयरटेल हो, जियो हो या फिर वोडाफोन भी आई, किसी भी नंबर को अगर रिचार्ज करने के लिए नंबर डायल करें और 50 रुपया से एक्स्ट्रा अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहां एक रुपया एक्स्ट्रा लेगा जरूर। अगर 100 रुपया से एक्स्ट्रा रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहां पर 2 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, यानी उसका कहना है कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस है यानी जीएसटी है, इसके तहत आप यहाँ पर 2 रुपया यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 50 रुपये के ऊपर अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और 100 रुपये से और 100 रुपये से एक्स्ट्रा अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ये फोन पे का कहना है। और अगर 50 रुपये से कम अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन उसी हिसाब से अगर अनदर प्लेटफॉर्म को देखें यानी फोन पे को छोड़ के गूगल पे भीम यूपीआई वगैरह वगैरह जितना भी है सभी में अगर रिचार्ज करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, लेकिन यहाँ पर फोन पे में आपको सिर्फ पैसा देना पड़ेगा और भी एक्स्ट्रा जितना आप रिचार्ज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 199 रिचार्ज करें तो वहां पर 199 प्लस 2 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और 201 है 201 रुपया आपको देना पड़ेगा। आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा रिचार्ज करते हुए, यानी एक नंबर को हम रिचार्ज करेंगे और उसमें कितना रुपया कटता है आप खुद ही देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील और आप देख रहे हैं बड़ा सोल्टेड, चलिए शुरू करते हैं। है दोस्तों, आप हम आ चुके हैं फोन पे के स्क्रीन पे, तो अब हम जाते हैं मोबाइल रिचार्ज पर और वहाँ पर देखते हैं कौन सा कितना रुपया कटता है, कितने रुपये रिचार्ज करने पर कितना कटता है। ओके, देन यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज क्लिक करते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर चले गए और यहाँ पर आप जिस भी नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं, जिस नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। देन अब हम एंटर करते हैं नंबर, देन अब हम एंटर कर चुके हैं नंबर, मोबाइल नंबर ये हमारे जियो नंबर का है। तो यहाँ पर जितना भी प्लान वगैरह है किसी में भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर कितना कटता है देखते हैं। अगर हम 199 का रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करते हैं ओके इस नंबर पर, देन यहाँ पर क्लिक किया 199, यस तो 199 ये दिखा रहा है 199 जितना भी है प्लान वगैरह। तो यहाँ पर देखिए 201 201 रुपया यानी 199 की जगह में 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। इसका मतलब क्या है यार, 2-2 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, चलो एक पैसा भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसका बेनिफिट सोचो, एक इंसान से एक पैसा लेता है तो हजार करोड़ करोड़ इंसान अगर करोड़ों से अगर एक एक पैसा लेगा तो कितना इनकम करेगा वो। तो यहाँ पर तो सर 2-2 रुपया है, तो 2-2 रुपया में कितना हो जा रहा है सोचो। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है 2 रुपया लेने का, यहाँ पर दिया है एडिशनल प्रोसेसिंग फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ रुपीस 2 विल बी चार्ज, यानी 199 के जगह में आप एडिशनल 2 रुपीस प्रोसेसिंग फी यानी जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, इसका कहना यही है। तो यहाँ पर आई बटन में क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है डिटेल्स में। ओके, देन ये देखिए प्रोसेसिंग फीस, फोन पे में चार्ज ए फी फॉर फैसिलिटेटिंग रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स ऑन द फोन पे प्लेटफॉर्म, इट हैज द फ्लोइंग कंपोनेंट। अगर फोन पे से किसी भी मोबाइल को रिचार्ज करते हैं या फिर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा यानी चार्जेस देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और फर्स्ट दिया है कन्वीनियंस फी और सेकंड में दिया है प्लेटफॉर्म का फी, यानी फोन पे से रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म फी देना पड़ेगा और उसका जीएसटी वगैरह है और कन्वीनियंस फी यहाँ पर देना पड़ेगा। फोन पे में चार्ज ए फी फॉर पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स थ्रू, यानी फोन पे के थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा, कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और प्लेटफॉर्म फी क्या है, फोन पे में चार्ज ए नॉमिनल फी फॉर रिचार्जेस बिल पेमेंट्स फॉर यूसेज ऑफ द प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड,
यहाँ पर दिया है कि फोन पे से रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज के पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस और बिल पेमेंट के एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। अगर बिल और रिचार्ज पर यहाँ पर चार्जेस लागू किया है, बाकी अनदर ट्रांजेक्शन पर नहीं। ऑनली यहाँ पर बिल पेमेंट और रिचार्ज पर प्रोसेसिंग फी लागू किया है। व्यू अमाउंट ब्रेकअप, यस यहाँ पर देखिए 199 रिचार्ज अमाउंट 199 है और प्रोसेसिंग फीस प्लेटफॉर्म फी इंक्लूसिव ऑफ GST 2 rupees दिया है। टोटल पेएबल 201 यानी 201 rupees, तो यहाँ पर 201 rupees वो चार्जेस लेगा। ये तो हो गया 199, तो अब देखते हैं इससे कम में अगर कितना लेता है। अभी तो देख लें 199 के, अभी हम देखेंगे यहाँ पर 50 rupees के नीचे में अगर कितना पैसा लेता है कि नहीं, लाइव प्रूफ देख लेते हैं। 50 के नीचे यानी 50 से नीचे, 1 rupees भी कम या 50 या तो 50 से कम कितना रुपये लेता है यानी चार्जेस लेता है कि नहीं। दें यहाँ पर क्लिक किए 48, ये देखिए यहाँ पर 50 से अगर 1 rupees भी कम का रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उतना ही देना पड़ेगा। आप जितना रिचार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी कुछ एडिशनल फीस देना नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया 50 के नीचे, अभी हम 50 के ऊपर देखते हैं कितना लेता है। ओके ये 79 है, 79 पर क्लिक करते हैं कितना दिया है। ओके ये देखिए 79 पे अगर आप रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर 1 rupees एक्स्ट्रा लिया जाएगा यानी चार्जेस के तौर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 50 से 100 rupees के अंदर अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको 1 rupees एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 100 से ऊपर जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 rupees जोड़ा जाएगा यानी 2 rupees एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रिचार्ज के पैसा यानी इसका पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट फीस। और 50 से अगर आप नीचे रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको 1 rupees भी देना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं पहले बताया था। है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके हिसाब से इस फोन पे का प्लान के ऊपर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर डिजिटल जर्नी।